अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। वेलकम टू फराज किचन। आज हम एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज जो रेसिपी हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं वो बच्चों, बड़ों और बूढ़ों सबकी फेवरेट है, जो आप बआसानी अपने किचन में मौजूद चीज़ों से बना सकते हैं। जी हाँ, आज हम बनाएंगे चिकन वेजिटेबल मैक्रोनी। तो चलें फिर अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। कढ़ाई मैंने प्री हीट कर ली है और इसमें मैंने आधा कप ऑयल का शामिल कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज एक अदद, इसे आपने चॉप नहीं करना, थोड़ा सा मोटा काटें। प्याज को हम हल्का सा ब्राउन कर लेते हैं। प्याज आपने मोटा इसलिए काटना है ताकि आपका प्याज जो है वो मसाले में मिक्स ना हो। प्याज को मैंने 2 मिनट फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन। चिकन के मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। मैंने एक पाव चिकन इस्तेमाल किया है इस रेसिपी के लिए, लेकिन चिकन की कोई मकदार जो है वो तय नहीं है कि आपने इसमें एक पाव ही चिकन इस्तेमाल करना है या आपने इसमें 1 kg चिकन इस्तेमाल करना है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो है ना इसमें चिकन यूज़ कर सकते हैं। अब हमने चिकन को 1 मिनट के लिए भूनना है। चिकन को मैंने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब इसमें मैं शामिल करूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसे फिर मज़ीद 1 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि अदरक और लहसुन जो है वो अच्छी तरह से पक जाए और इसकी स्मेल, लहसुन और अदरक की स्मेल जो है ना वो चिकन में से ना आए। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर 1 अदद बड़े साइज का और इसे मिक्स कर लेंगे। टमाटर को हमने ज़्यादा पकाना नहीं है ताकि ये घुल ना जाए। अब हम इसमें शामिल करेंगे गाजर, जो मैंने पहले से ही उबाल के रख ली है। आपने गाजर को 100% बॉयल नहीं करना, ठीक है? आपने इसे कम से कम 90% बॉयल करना है और 10% जो है ना इसमें कच्चापन होना चाहिए। गाजर जो है वो मैंने 1 पाव ली है। अब हम इसे 2 मिनट के लिए जो है वो पकाएंगे ताकि जो कच्चापन है इसका वो ऑयल में भुनने से ख़त्म हो जाए। गाजर को हमने 2 मिनट के लिए भून लिया। अब हम इसमें शामिल करेंगे मटर 1 कटोरी। मटरों को भी मैंने पहले से बॉयल लिया हुआ है, ठीक है? मटर भी आपने ज़्यादा बॉयल नहीं करने कि वो मसाले में जो है वो मिक्स हो जाए। आपने इन्हें कम से कम इन्हें भी 90% ही बॉयल करना है। अब इसे हम 1 मिनट के लिए ऑयल में भूनेंगे। अब हम इसमें शामिल करते हैं शिमला मिर्च 1 अदद बड़े साइज की। शिमला मिर्च को आपने ज़्यादा बारीक नहीं काटना, क्योंकि आपको पता है शिमला मिर्च जो है वो फ़ौरन से गल जाती है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपकी जितनी भी सब्जियां हैं वो मिक्स नहीं हो। शिमला मिर्च डाल के उसे भी हम 1 मिनट के लिए भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाला जार। काली मिर्च
एक टेबल स्पून लाल मिर्च, एक टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून नमक, एक टीस्पून सूखा धनिया, एक टीस्पून गरम मसाला हाफ टी स्पून। अब इसे हम इसमें शामिल कर लेते हैं, उसे 2 मिनट के लिए भून लेते हैं। हाँ जी, नमक मसाला जो डाल के हमने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मायोनीज, टमाटो केचप, चिली गार्लिक सॉस। ये मैंने 3 स्पून जो है वो चिली गार्लिक सॉस ली है, 3 चम्मच जो है वो मैंने मायोनीज ली है और 3 चम्मच ही केचप ली है। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसका एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। वो तैयार हो गया है, अब हम इसे ऐड कर लेंगे। कटोरी को अच्छी तरह से साफ करें। अब हम पेस्ट को मसाले मिक्स कर लेते हैं और इसे 1 मिनट के लिए दम लगा लेते हैं ताकि हमारे मसाला जो है वो अच्छी तरह से सब्जियों में मिक्स हो जाए। चार सौ ग्राम मैंने मैक्रोनी ली है और इसे मैंने खुले पानी में 1 चम्मच नमक डाल के बॉईल कर लिया है मैक्रोनी। बॉल को अच्छे तरीके से साफ करें। इस मैक्रोनी पे आपको हल्की हल्की चिकनाई नज़र आ रही होगी, तो मैक्रोनी जो है वो मैंने बॉईल करके इसे ठंडे पानी के साथ धो के इसके इस पर 2 स्पून जो है वो ऑयल छिड़क के उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया ताकि मैक्रोनी जो है वो हमारी आपस में जुड़े ना। मैक्रोनी को अब हम मिक्स कर लेते हैं। माशाल्लाह देखें कितने खूबसूरत कलर नज़र आ रहे हैं, कितनी खूबसूरत मैक्रोनी जो है वो हमारे बन के तैयार हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता करके मैक्रोनी को अच्छी तरह से मिक्स करें। मैक्रोनी हमारी अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है माशाल्लाह से। अब हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस 2 चम्मच। अब दोबारा से हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि सोया सॉस जो है वो हमारा सारी मैक्रोनी में अच्छे तरीके से हल हो जाए। अब व्यूअर्स हम इसे 1 मिनट का दम लगाते हैं ताकि हमारी जो सब्जियां जिनमें थोड़ा बहुत उस पर कच्चापन था वो दम से जो है वो पक जाएं। अब आप चूल्हे की आंच चेक करें और इसे हल्की आंच पे दम लगा लें। अब हम चेक कर लेते हैं कि मैक्रोनी हमारी कहाँ तक पहुँची है। माशाल्लाह व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हम मैक्रोनी जो है वो फुल रेडी हो चुकी है। मैक्रोनी की रंगत से ही पता चल रहा है कि मैक्रोनी हमारी बहुत ही अच्छी तैयार हुई है और आप इस पर थोड़ा सा फोकस करके देखें कि एक एक जो है वो सब्ज़ी हमारी नज़र आ रही है, कुछ भी मिक्स नहीं हुआ। तो आपने कोशिश यही करनी है कि आप सब्ज़ियों को कम से कम पकाएं। अब हम मैक्रोनी जो है उसे डिश आउट कर लेते हैं। मैक्रोनी को हम डिश आउट करने लग कर रहे हैं।
अगर व्यूवर्स आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है और हमें कमेंट्स में बताना है कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। अब हम मिठोने की थोड़ी सी डेकोरेशन कर लेते हैं। अगर व्यूवर्स आपको हमारी रेसिपी आज की पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। हयात बाकी, मुलाकात बाकी।